गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 25 दिसंबर 2022 और मैं हूं इस वक्त संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली मुंबई। तो आज का व्लॉग इसी के बारे में होने वाला है, क्या चीज़ें इसमें कुछ खास है, किस लिए ये फेमस है, यही सब चीज़ें मैं आज आपको बताने और दिखाने वाला हूं। यहां पे आपको व्हीकल पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो रेट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं बोर्ड पे। इस साइड को आप अपनी कार व्हीकल्स जो भी आप बाइक वगैरह लेके आते हैं वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। इस नेशनल पार्क के दो मेन एंट्री गेट्स हैं, एक ये है, एक दूसरा दूसरी साइड में है। तो यहाँ से भी अंदर में टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट आप ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा टिकट काउंटर इस साइड में है, यहाँ से भी टिकट लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसलिए बेहतर है आप टाइम से आएँ तो टाइम से यहाँ पर टिकट लेके आप इजीली एंटर हो सकते हैं। कहने को दिसंबर का महीना है पर बहुत गर्मी है, एकदम हालत खराब है, बहुत लॉन्ग क्यूज है यहाँ पे। ये इसका एक प्रॉपर मैप है, घूमने में किसी से कोई स्थान छूटे ना या कोई किस तरह की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रख के मैप बनाया गया है। यहाँ सामने आपका टिकट और बैग चेक होता है, और अगर आपके बैग में कोई खाने का सामान है, पानी पीने के लिए बोतल वगैरह कुछ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 100 रुपीज एज ए डिपॉजिट मनी जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप अपने खाने के सामान के बाद जो बचने वाला कूड़ा कचरा है उसको वापस लेके नहीं आए तो आपके 100 रुपीज यहाँ पे लैप्स हो जाएंगे, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एंट्री गेट नंबर 2 है, मैंने तो गेट नंबर 1 से एंट्री की है, और इस पे एंटर होते ही ठीक सामने यहाँ पे साइकिल स्टैंड है। यहाँ पे साइकिल रेंट पे मिलती है, 300 रुपीज़ साइकिल का सिक्योरिटी अमाउंट है, और 2 आवर्स के लिए 2 घंटे के लिए 100 रुपीज़ उसका चार्ज है। अगर आप मोर देन 1 आवर से 2 आवर से लेट हो जाते हैं तो उसको आपका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर आप बस से आगे का सफ़र यहाँ तय करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको बस के लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। बस का टिकट परचेज करके आपको कैनरी कैव्स, यहाँ पे कैनरी गुफाएं जो हैं करीब 4-5 किलोमीटर अंदर हैं, वहाँ पे बस लेकर के आपको जाएगी, घुमा करके फिर वापस छोड़ेगी। कैनरी कैव्स को जाने के लिए ये सारे लोग पीछे बस का वेट कर रहे हैं। अभी एक बस थी वो भर गई है, उसके बाद में पीछे ये दूसरी बस आ रही है, इसके बाद ये लोग इस बस से जाएंगे। बट मेरे को नहीं लगता कि इस बस में भी बहुत सारे लोगों का नंबर आ पाएगा, बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ है। इससे बेहतर है साइकिल ले लें, या तब तक बस का वेट करें तो नियर बाय में जो 2-4 जगह है घूमने की जिसको पैदल भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, वहाँ पे तब तक घूम लेना चाहिए। टाइगर सफारी को बिना बस और साइकिल के भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसलिए मैं टाइगर सफारी के लिए जा रहा हूँ। ये बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए झूले लगे हुए हैं। असल में एक पब्लिक पार्क है, जो लोग इसका एक मंथली पास बनवाए हुए हैं वो यहाँ पे सुबह आके रनिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग और अदर जो भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं मॉर्निंग की, वो लोग यहाँ पे करते हैं, इसलिए ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की हुई है। ये निसर्ग निर्वचन या नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है। अभी मैं जा रहा हूँ बोटिंग की तरफ।
ये टूरिस्ट लोगों के लिए कुछ खाने का स्नैक्स टाइप का या कुछ फूड्स का यहाँ पे ये है, स्टॉल्स हैं। ये सारे लोग बोट्स के राइड के लिए लाइन में लगे हैं। ये बोट के रेट्स हैं यहाँ पे। टू सीटर 77 रुपीज़ में है, फोर सीटर बोट 157 में है। सॉरी, अब ये पूरा 80 रुपये का कर देते हैं या 160 का कर देते हैं, ये लॉजिक समस्या पर है। ये टाइगर सफारी है। इस टाइगर सफारी का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ करीब करीब 2000 साल, 1500 या 2000 साल पहले से ये यहाँ पे एक सेंचुरी था। बाद में धीरे धीरे शासक चेंज हुए, इसके नाम चेंज हुए, इसका यूटिलाइजेशन जो था वो चेंज हुआ, बट फाइनली अब आके इसका नाम संजय गांधी नेशनल बायोडाइवर्सिटी पार्क कर दिया गया है। और इसमें मैं जिस जगह पे हूँ अभी, ये टाइगर सफारी है। लाइन सफारी जाने के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा और सामने टिकट काउंटर है। और ये लोगों की भीड़ जो है वो लाइन सफारी ले जाने के लिए आने वाली बस के इंतज़ार में है। बहुत लंबी लाइन लगी है यहाँ, बहुत पीछे तक, दूर तक लोग लाइन में लगे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो वाइल्ड स्टॉक है, जो जंगली जानवर हैं, उनको बीमारियों से बचाने के लिए या कभी वो कोई आपस में एक दूसरे से लड़ते जो है कोई जख्मी हो तो उस सब को ठीक करने के लिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है और एक ऑन व्हील एम्बुलेंस है। इसके अलावा इमीडिएटली स्टाफ के लिए यहाँ पे स्पेशल गाड़ीज हैं। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में जितने भी फूल्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं फ्लावर्स के, वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारी रेयर स्पीसीज है, फ्लावर्स हैं वो जो यहाँ पे मिल जाती है। इस गार्डन में सैकड़ों सालों पुराने पेड़ की जो प्रजातियां मौजूद हैं, कुछ पेड़ यहाँ 500 से 1000 साल पुराने भी हैं और उनके खराब या टूट जाने के बाद भी उनकी जो लकड़ी बचती है उसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बाड़ा है इंडियन रॉक पाइथन का, यानी अजगर। अजगर महाराज यहाँ विराजमान है, इधर ही रहते हैं कहीं। इस घर में अजगर रहते हैं अंदर, बट अभी लॉक लगा हुआ है, दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ पे ओपन स्पेस है, लोग अपने बच्चों का बर्थडे वगैरह यहाँ पे सेलिब्रेट करने आते हैं या फिर वीकेंड पे जिनको आउटिंग करनी होती है घर से खाना लेके आते हैं या खाना यहाँ पे भी मिल जाता है तो वो लोग यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। ये बच्चे होमवर्क यहीं कर रहे हैं, ये आईएएस बनेंगे पक्का। रेलवे स्टेशन है, वन रानी ट्रेन यहाँ से चलती है बट कोविड के बाद से वो बंद है, अभी स्टार्ट वापस से हुई नहीं है। तो ये बेसिकली उसी का सारा ट्रैक है, नैरो गेज का ट्रेन है।
और संजय गांधी नेशनल पार्क होने से पहले इसका नाम कृष्णागिरी नेशनल पार्क था, उसी का ये बोर्ड यहाँ पे लगा है। पुरानी यादों को सहेज के रखने की कोशिश की गई है। उधर कुछ गर्ल्स हैं लाइक चेयर गर्ल्स, वैसे उन्होंने ये पहने हुए हैं। और ये एक पुराना स्टेशन है, उसको पूरा हेरिटेज लुक देने की कोशिश की गई है। पूरे हर चीज़ यहाँ पुराने टाइम के जैसी है। ट्रेन बंद होने की वजह से यहाँ पे कोई खास रौनक नहीं है, बाकी तो जब ट्रेन चलती होगी तो यहाँ पे लोगों की भीड़ रहती होगी। और वो ट्रेन इस जंगल सफारी में पूरे जंगल का टूर कराती थी, उसी का ये उसके अकॉर्डिंगली ट्रैक बना हुआ है। ढेर सारे हिरण है, चीतल है, बारहसिंगा है एंड पीकॉक्स ऑल्सो हियर। सो यहाँ आने के बाद आप इन सारे वाइल्ड फौना को यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं, देख सकते हैं इनका लाइफ किस तरह से चलता है, क्या ये खाते हैं, क्या पीते हैं, उस तरह की तमाम तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस बाड़े में मोर हैं, ये बिल्कुल इसके साथ में ही है जहाँ हिरण बारहसिंगा चीतल वगैरह हैं, इसके साथ में ही एक अलग से इनका कंपार्टमेंट है। उसमें बहुत सारे इंडियन पीकॉक हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ पेड़ों पे चढ़ के भी ऊपर बोल रहे हैं। इनके खाने का दाने पानी का सारा इंतजाम इसी में होता है। ये मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बुद्धिस्ट स्तूपा में गेट पे इसका यूज होता है, इसकी जो बाहरी पेरिफेरी होती है उसके बाहर इसका लगाते हैं। अमरावती स्तूपा में भी ये लगा था। यहाँ से ये रास्ता सीधा जाता है गांधी ड्योढ़ी को। गांधी ड्योढ़ी बेसिकली एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से आपको खूबसूरत कुदरती नज़ारे देखने को मिलते हैं। और एक खूबसूरत पार्क वहाँ पे बिल्डअप है, वहाँ पे बच्चों के जो भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके छोटे छोटे स्टैचूज वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, तो वहाँ पे चल के देखते हैं। इस बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये दुनिया का अकेला एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो पूरा का पूरा एक सिटी के बीचों बीच है। इसके अलावा ऐसा इधर भी नहीं है जो पूरा एक सिटी एरिया के अंदर में हो, बाकी सारे जो फॉरेस्ट रिजर्व एरियाज हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। इधर में घूमते हुए ये तीन भाई मिले, महाराष्ट्र में, बेसिकली महाराष्ट्र से हैं ये। और अब खुद बताएं आपका नाम और आपका यहाँ पे लोकल रेजिडेंस पैलेस कहाँ पे है। मेरा नाम मोहम्मद अतार है और मैं मुंबई में रहता हूँ। ओके, और मैं वैसे छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ। ओके, अतार का खुद का प्लास्टिक रिसाइकलिंग का बिजनेस है। एंड सेकंड वन आपका क्या करते हैं? मेरा नाम मेहताब रजा खान है, मैं थाने सिटी में रहता हूँ इन महाराष्ट्र। ओके, मैं एज अपना खुद की दुकान चलाता हूँ, ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं ना, सबमिट करने का कोई फॉर्म हुआ। ओके, ओके, या प्रॉपर्टी, साइबर कैफे टाइप का आपका काम है। ओके, ठीक है भाई, बहुत 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 खुशी हुई आप सबसे मिलके। और एक ये सीखने को मिला कि उम्र कम हो ज्यादा हो मैटर नहीं करता, आपकी तालीम मैटर नहीं करती, काम हो खुद का हो बटले ही छोटा हो। ठीक है, मैं एक पाइप डिजाइन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट मेरे को लग रहा है कि मैं आप सब लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि आप खुद का करते हैं, खुद की मर्जी के मालिक हैं, वो चीज मैटर करती है। संजय गांधी नेशनल बायोडाइवर्सिटी पार्क का मैंने पूरा टूर कर लिया है, अभी इसके बाद मैं जाने वाला हूँ केव्स की तरफ, उसके लिए मुझे बस लेनी पड़ेगी। सो क्विकली यहाँ से मैं दूसरे एरिया की तरफ मूव करने वाला हूँ।